नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पानी की मांग को लेकर सोमवार को झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन के नेतृत्व में एसीएल मुगमा एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला व पुरुष हड़िया बर्तन व हाथों में तीर धनुष लेकर कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप रखकर एसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र के गोपालपुरा और बड़ा डंगाल में पानी की घनघोर समस्या है। एसीएल के सीएसआर फंड से क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। इस कड़कड़ाती गर्मी में लोग पानी के लिए त्राही माम कर रहे हैं। राज्य में आदिवासी की सरकार है, लेकिन एसीएल आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। धरना का समर्थन देने झामुमो के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक मंडल, झामुमो जिलाध्यक्ष लखी सोरेन और जीप सदस्य गुलाम कुरैशी भी धरना को समर्थन देते हुए कहा कि अगर एसीएल हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में झामुमो एसीएल का चक्का जाम करने के लिए बाध्य होगा। इधर एसीएल प्रबंधन की ओर से धरनार्थियों से वार्ता करने आए एपीएम कैसिक भौमिक ने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाएगा, आगे जीएम के समक्ष सभी बातों को रखा जाएगा। वार्ता के बाद झामुमो ने धरना को स्थगित किया। एरिया ऑफिस है, इस एरिया ऑफिस का जो दायरा है, यहाँ बहुत काफी लोगों का जमीन गया है, उसके बदले में उसको नौकरी मिलना चाहिए। आज भी दर दर ठोकर खा रहा है। जाइए आप हरिया जाम में नया प्रोजेक्ट बना है, वहाँ भी आदमी जमीन वाले को उसका हक अधिकार नहीं मिला है। बाजना में नया ओसीपी होने जा रहा है, वहाँ भी आज भी दर दर लोग ठोकर खा रहा है। तो इस तरीका से यहाँ का जल जमन जंगल का बात करते जरूर है, लेकिन यहाँ का हक देने के लिए कतई तैयार नहीं होता है। जब आप जबरदस्ती कीजिएगा, जब आप बात को रखिएगा, तो कोई नया नया नियम की बात मैनेजमेंट करता है, ये आपके आंख के सामने देखा गया। और आपका ये प्रश्न जो कल हमको हम कर रहे हैं, ईसीएल बना हुआ 100 साल हो गया, इस ईसीएल को सबसे ज्यादा अगर कोई जमीन दिया है तो आदिवासी लोग दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ईसीएल प्रबंधन एकदम आदिवासी को टारगेट करके ये भेदभाव कर रहे। आप देख लीजिए, ईसीएल जहां जहां भी उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अगल बगल जितने भी गांव है, 1% का सीएसआर के तहत काम नहीं कर रहा है। ना शिक्षा दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना बिजली दे रहा है। आप ये हेडक्वार्टर ईसीएल का एरिया ऑफिस, इसके 200 मीटर गांव के बगल में इसमें पानी देने का काम नहीं किया है। तो इसी के विरोध में हम लोग धारणा दिए थे। आने वाला समय में अगर ईसीएल प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर इसका प्रोडक्शन और इसका ऑफिस भी हम लोग ताला जड़ने का काम करेंगे। धारणा यही 2 तारीख का आश्वासन मिला है, कल से गांव में पानी दो टैंकी करके पानी जाएगा और 2 तारीख को वार्ता करके जो हमारा जो मांग था वो पूरा किया जाएगा। हम लोगों ने मिला है इस पाइपलाइन के द्वारा जो तिलतुड़िया आपका पाइप जा रहा है, हम लोगों ने कहा कि भाई बाकाडगा में पानी का बहुत समस्या है, तो कहा जाएगा सांसद से मिलो, विधायक से मिलो, झारखंड में मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो हम लोग क्यों भाजपा के लोगों से मिलने जाएंगे। ये साफ तौर पर ईसीएल का दलाली हो रहा है यहाँ पे, और यही समस्या आपका डीवीसी के साथ में भी है, एमपीएल के साथ में भी है, हर कोई आदिवासी को वंचित रख रहा है। तो निश्चित रूप से आज हम लोग के प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पे जो धरना कार्यक्रम हुआ है, हमारे उसमें जिला अध्यक्ष श्री लखी सोरेन जी, अशोक मंडल जी और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा साथी इसमें और जो सक्रिय हैं शामिल हुए हैं। और ये संदेश है निरसा विधानसभा के लिए कि अगर हम लोगों को हक, हमारे गाँव वालों को हक नहीं मिला, तो अब ये आंदोलन हर जगह निश्चित रूप से आप लोगों को नजर आएगा। और अगर 2 तारीख को बैठक है, 2 तारीख को अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग ईसीएल का चक्का जाम कर देंगे। जीएम हो, चाहे एपीएम हो, चाहे कोई हो, रास्ता में चलना मुश्किल कर देंगे हम लोग। एकदम भेदभाव हो रहा है यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आदिवासी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आदिवासी के साथ में यहाँ भेदभाव हो रहा है। मैं जिला परिषद होने के नाते भी इससे पहले मिला जीएम, जो पूर्व जीएम थे, चोर जीएम जो थे, उससे मैं मिला था। उन्होंने साफ कहा कि देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जाइए हाजिरी लगाइए जाकर के सांसद के यहाँ। तो क्या हम लोग यही काम के लिए नाइती करते हैं? जिला परिषद होने के नाते, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य होने के नाते आज हम लोगों ने ये काम किया है, और निश्चित रूप से ये जगाने का काम है। ईसीएल वाले अगर नहीं सोया हुआ नहीं जागेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज हम लोगों का मेन मुद्दा बाकाडांगा पाइपलाइन का समस्या है, उसको समस्या का ही मेन मांग था, जिसे 2 तारीख बोल के टाल दिया गया कि 2 तारीख की बैठक में इसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से लेंगे। और हम लोग यही आश्वासन के साथ ही हम लोग उठे हैं कि 2 तारीख को हम लोग बैठ के बात करते हैं, अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो उसका अंजाम वाकई में बहुत बुरा होगा। ये बाकाडांगा ये विलेज है, हम लोग का मुंगमा एरिया का गोपालपुर कॉलोनी का नजदीक में ही है, ये सब जहाँ आया है ये लोग बाकाडांगा कॉलोनी का ही है, ठीक है ना, रहता है।
एक तो रिसेंटली पाइप का काम हो रहा है तिलतोड़िया के लिए, तिलतोड़िया यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में है। जिस लोग का डिमांड है जब पानी जाएगा तिलतोड़िया में, हम लोग का पानी देने के लिए पानी पहले देना चाहिए। पानी जब मैंने तिलतोड़िया जा रहा है ये जाना चाहिए, इसके लिए बात होंगे, हम लोग से बात करेंगे। और तत्काल के लिए जब बहुत ही गर्मी का सीजन है, 2 टैंकर करके पानी मांगा गया है सीएसआर की तरफ से, हम लोग प्रपोजल करके हम लोग कोशिश करेंगे देने के लिए। एक्चुअली सीएसआर मैंने जो है ना प्रॉफिट का 2% बोला जाता है, इसीएल पिछले 2 साल से लॉस है, नहीं है। ऑल इंडिया का हम लोग को कुछ पैसा मिलता है उससे होता है, अरे 14 एरिया में एक एरिया है, उसके बावजूद ईसीएल में मुंगमा एरिया में जब मिलता है और लोग एरिया से ज्यादा ही मिलता है। हम लोग एक पहले मैंने ये इसमें निरसा में जो बनाया है जेब स्कूल, बहुत खर्च करके बनाया है, और ये जो तिलतोड़िया ये भी हो रहा है। ये बात नहीं है जो मुंगमा एरिया को नहीं वंचित किया जाता है, मुंगमा एरिया ईसीएल में मोस्ट बेनिफिशियरी एरिया में एक एरिया है सीएसआर के लिए, किंतु अभी हम लोग का कम प्रॉफिट हुआ बोल के लॉस हुआ बोल के हम लोग का सीएसआर के पैसे कम मिला।